Assalamualaikum viewers, क्या हाल है आप सबका? Welcome GINU खुशामदीद, नायला की दावत में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए कोई बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी बनाने वाले हैं जो कि नाश्ते में भी बड़ी अच्छी लगती है और कई दफ़ा चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो जो आज हम बनाने वाले हैं वो है केक रस्क। अब हम आज आपके सामने दो वैरायटीज के बनाएंगे जो कि है एग के साथ और एगलेस भी जो है, ताकि जो हमारे जो व्यूअर्स हैं जो एग्स नहीं खाते वो भी इस रेसिपी से लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलें, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस रेसिपी के लिए वो मैं आपको बताती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर टैप कीजिए। जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी इस रेसिपी के लिए वो है एगलेस रस्क बनाने के लिए 1.5 कप प्लेन फ्लावर, 1 कप शक्कर, 1/2 कप मक्खन, 1/2 कप दही, 1/2 कप दूध, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर। अंडे वाले रस बनाने के लिए 1/2 कप मक्खन, 1/2 कप शक्कर, 3 अंडे, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 कप प्लेन फ्लावर का। चलिए व्यूज, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला काम हम ये करेंगे कि जो हमारी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो हम मिक्स करेंगे। सो इधर बाउल में प्लेन फ्लावर के साथ जो कि है हमारा बेकिंग पाउडर और हमारा बेकिंग सोडा वो हम अंदर डाल रहे हैं इस तरह, और इसको अच्छी तरह से बस हम मिलाएंगे जिस तरह हम हमेशा करते हैं कि हमारे जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उनको मिक्स कर देते हैं। बस इस तरह ही हम इसको मिक्स करेंगे और इसके बाद जो दूसरे बोल में इसको हम सिव करेंगे। तो बस इसको मिक्स करने के बाद अब हम इसको सिव करेंगे दूसरे बोल में। तो चलिए व्यूअर्स, इसको बस हम सिव कर रहे हैं हमारे फ्लावर को केयरफुली इसके अंदर अच्छी तरह से, एंड बस इसको हमने अब इस तरह ही सिर्व करते जाना है। चलिए व्यूअर्स, अब पहला काम ये करेंगे कि जो हमारा ओवन है उसको ऑन करेंगे 350 फ़ारेनहाइट, 180 डिग्रीज और गैस मार्क 4। तो बस हम जो हमारा ओवन है उसको ऑन करेंगे। ये हमारा ओवन ऑन हो गया। तो चले अब जो अगली स्टेप है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या है। हमने बेसिकली ये करना है कि जो हमारा बटर है और हमारी जो शुगर है उसको हमें क्रीम करना है टुगेदर, जितना हम हमेशा करते हैं हमारे केक रेसिपीज के अंदर। अगर आपने देखी होंगी तो आपको पता होगा ये स्टेप, पर आपको नहीं देखी तो वो भी रेसिपीज देखी, वो बड़ी अच्छी रेसिपीज है। मैं इधर ऊपर लिंक पोस्ट कर रही हूँ कि जो हमारी ईद की जो हमने बनाया था केक उसकी जो रेसिपी है वो बहुत ही अच्छी है, तो उसको भी देखिए। तो चलिए बस हम ये करेंगे, क्रीम करेंगे बटर को मीडियम की है इसकी। चलिए व्यूअर्स, अभी आप देख सकते हैं कि ये जो है हमारा बटर और शुगर हमने क्रीम कर चुके हैं। तो बस इस पॉइंट पर हम ये करेंगे कि जो हमारा दही है वो हम ऐड करते जाएंगे अंदर, तो स्लोली स्लोली और मीडियम जो है स्पीड पर विस्क करते जाएंगे। तो बस अभी हम जो हमारा दही है वो ऐड करते जाएंगे। इस पॉइंट पे जो है हमारा कार्डमम पाउडर वो भी अंदर हम डाल रहे हैं इस तरह, और इसको भी अंदर हम मिक्स विस्क कर देंगे अंदर। चलिए भी जब ये हम काम करेंगे कि जो हमारा फ्लावर है वो आधा जो है वो ऐड करेंगे अंदर, और इसको जो है हम करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो थोड़ा सा फ्लावर हम डालेंगे अंदर इस तरह, इसको मिक्सिंग करेंगे, फिर इसके बाद जो दूध है हमारा वो ऐड करेंगे थोड़ा सा, और फिर इसको इस तरह ही रिपीट करते जाएंगे इस प्रोसेस को।
तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर है वो मैं अंदर फोल्डिंग कर रही हूँ कैरफुली, और जब ये आपको नज़र आएगा कि ये तकरीबन फोल्ड इन हो चुका है हमारा जो फ्लावर है, तो उसके बाद जो है दूध वो हम अंदर जो है डालना शुरू करेंगे। तो बस इसी तरह ही आप देख सकते हैं कि फ्लावर जो है हमारा मिक्स इन हो चुका है तकरीबन अंदर। तो अब जो हमारा दूध है वो हम थोड़ा सा अंदर डालेंगे इस तरह, और इसको भी अंदर इस तरह ही हम मिक्स करते जाएंगे, ताकि इस तरह फिर जो हमारी है ये केक को जो बैटर ये ड्राई बिल्कुल नहीं होगा। सो इस तरह ही बस मिक्स करते जाना है, और फिर फ्लावर को इस तरह ही रिपीट करेंगे, थोड़ा सा फ्लावर डालेंगे, थोड़ा सा दूध डालेंगे, और इस तरह ही बस इस स्टेप को रिपीट करते जाना है। चलिए व्यूज़, आप देख सकते हैं कि ये हमारा बैटर कितना नाइस एंड सॉफ्ट है। ये बिल्कुल हमने मिक्स कर चुके हैं जो हमारा फ्लावर है और मिल्क के साथ आधा आधा करके, और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत ही क्रीमी सा जो है टेक्सचर हमारा बैटर का है। तो बस इसको आप जो हमारा लाइंड बेकिंग ट्रे है उसके अंदर हम डालेंगे इसको बेकिंग पैन में। तो इस वक्त अगर आपने नहीं किया लाइन अपने ओवन की जो डिश का, तो उसको लाइन कर दें बेकिंग पेपर के साथ। तो बस इसको हम डालेंगे अंदर हमारे जो बेकिंग पैन के अंदर, जो हमारा केक बैटर हमने अंदर डाली, तो बस इसको इसे टैप करेंगे जिस तरह मैंने किया था हमारे जो टोकरे की जो मैंने बनाई थी रेसिपी, अगर आपने देखी है तो वो भी बड़ी अच्छी सी सेवरी सा केक है, तो उसको भी आप देखें, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी, वो भी ऊपर लिंक पोस्ट करती हूँ आपके लिए, तो वो भी आप देखें हमारे दबंग टोकरा जो हमने बनाया था। तो बस इसको इस तरह ही हम शेक करेंगे जब तक ये सारा लेवल हो जाए सब तरफ हमारा केक बैटर, और फिर कवर में डाल देंगे। चलिए भी इसको भी हमने लेवल कर दिया, तो बस इसको ओवन के अंदर रखेंगे हम 40 to 45 minutes के लिए। चलिए व्यूज, जब तक हमारी जो है दूसरी जो एगलेस केक क्रॉस के वो होते हैं बेक ओवन में, तो तब तक जो है हमारा जो है एग वाले जो केक क्रॉस का बैटर वो हम बना लेते हैं। तो बस इसके लिए जिस तरह हम नॉर्मल करते हैं केक के लिए, कि इस तरह करेंगे कि हमारी शक्कर इस तरह डाल देंगे हमारे बॉल में, और साथ में जो हमारा बटर है वो भी इस तरह अंदर डाल देंगे, और अब इसको हम विस्क करना शुरू करेंगे हमारे एग बीटर के साथ जब तक कि नाइस एंड क्रीमी नहीं होता। चलिए व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि ये भी नाइस एंड क्रीमी हो चुका है हमारा बैटर। तो बस इस पॉइंट पे जो हमारे एग्स हैं वन बाय वन हम ऐड करते जाएंगे हमारे जो है मिक्सर के अंदर। चलिए व्यूअर्स, अब हम ये करेंगे कि जो हमारा है एसेंस, अब आपकी मर्जी है कि अगर आपने वनीला एसेंस यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। हम जो है इलायची पाउडर यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एगलेस में भी इलायची पाउडर ही हमने डाला था, इसमें भी हम इलायची पाउडर ही डालेंगे। तो बस अब हम इलायची पाउडर अंदर डाल रहे हैं इस तरह, और इसको भी अंदर विस्क करेंगे, तो उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि जो अगली स्टेप है वो क्या है। चलिए व्यूअर्स, अभी हमारा बैटर हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो बस ये करेंगे कि अब इसको सेव करना शुरू करेंगे हम। तो बस जो है हमारा फ्लावर और जो के है हमारे बेकिंग पाउडर वो हम अंदर डालेंगे, और उसको साथ ही हम इस तरह सिफ करना शुरू कर देंगे। तो बस इसको इस तरह ही हमने सिफ करना है। वहाँ पर नोटिस किया कि इस रेसिपी में इस पॉइंट पर हमने जो बेकिंग सोडा है वो नहीं डाला, वो इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसमें अंडे हैं, और ये जो बेकिंग पाउडर इनफ है जो केक को राइज करने के लिए, क्योंकि उसमें हमने दही डाला है अंडे के बजाय, तो इसलिए उसको थोड़ा टाइम लगेगा और देर लगेगी उस केक को फुलाने के लिए। तो बस ये जो है इसको हम कर लेंगे इस तरह सिर्फ, और इसको अब हम जेंटली फोल्ड इन करेंगे हमारे स्पून के साथ। तो बस इस तरह ही हम अब इसको अंदर फोल्ड करना शुरू करेंगे इस तरह, जब तक ये जो है हमारा जो बैटर अंदर मिक्स नहीं हो जाता सारा और नाइस एंड स्मूथ नहीं हो जाता। तो इस तरह हम फोल्डिंग करते जाएंगे हमारे फ्लावर को। चलिए आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा बैटर है ये एक नाइस क्रीमी सा बन चुका है इसका अब टेक्सचर। तो अब बस जो हमने लाइन किया है हमारे पैन को उसके अंदर इसको डालेंगे, और इसको ओवन में वही टेम्परेचर पर रखेंगे, लेकिन फॉर 20 to 22 minutes, बिटवीन 20 and 25 minutes। तो चलें उसके बाद मिलते हैं आपको। चलिए व्यूज, अब इस केक को हो गए हैं अबाउट 45 मिनट्स, हमें डाल दिया इसको ओवन में निकाल के, इसको 20 मिनट हमें छोड़ दिया था,
ऑन द सरफेस कूल डाउन होने के लिए. तो बस इसको अब हम काटेंगे इनटू रेक्टेंगल पीसेस और इसको वापस हम ओवन में रखेंगे ताकि ये नाइस एंड गोल्डन क्रिस्पी हो जाए. तो चलिए इसको अब काटना शुरू करते हैं हम. देख सकते हैं कि इस तरह हमारे जो केक रस्क है उनको हमने काट दिए, इनके एंड्स और जो ये जो बिट साइड पे थे वो हमने जो क्रस्ट थी वो उतार दिए. तो बस इसको हमने इस तरह ही काट के पतले पतले पीसेस में या जितने भी आप रखना चाहते हैं विथ में, अगर आपको पतले नहीं चाहिए तो मोटे चाहिए तो बेशक वो रख लें. तो अब इसको ओवन में हम वापस रखेंगे जब तक कि नाइस गोल्डन एंड क्रिस्पी नहीं हो जाते. व्यूअर्स, ये जो है हमारे अंडे वाला भी जो हम केक रस्क बना रहे हैं ये हो चुके हैं तैयार. तो बस हम ये कर रहे हैं कि जो इसकी एंड्स हैं बस हम उसको काट रहे हैं इस तरह आउट, जैसा देख सकते हैं इस तरह काट के चारों तरफ जो है हमारे केक के. इसके फिर हम स्लाइसेस काटेंगे जिस तरह की हमें स्लाइसेस चाहिए और वैसे ही ओवन में रख देंगे 15 मिनट्स के लिए सेम टेम्परेचर पर. चलिए व्यूअर्स, अब ये जो है हमारे केक रस्क बिल्कुल तैयार हो चुके हैं. इनको हमने ओवन में से निकाल के बस उनको प्लेट में सीधा रख दिया और थोड़ी देर इनको छोड़ दिया था कूल डाउन होने के लिए ताकि ये थोड़े से जब ठंडे होंगे तो थोड़े आपको सख्त फील होंगे. तो आप देख सकते हैं आपके सामने दोनों वराइटीज हमने रखी हुई हैं जिसमें थोड़े छोटे केक रस्क हैं हमने जो इसको काट के रखे हैं ये हमारे एगलेस हैं और जो थोड़े से लंबे हमने काट के रखे हैं वो हमारे एग वाली वराइटी के हैं. इसलिए दोनों तरह के डिफरेंट डिफरेंट काट के रखेंगे, आप पर है कि आप किस साइज के चाहते हो. अगर आपको छोटे चाहिए तो उस तरह भी हो सकते हैं, थोड़े बड़े भी चाहिए तो उस तरह भी आप काट सकते हैं. जो चॉइस आपकी अपनी मर्जी है. तो चले अब मैं आपके सामने ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये किस तरह टेस्ट करते हैं. चलिए व्यूअर्स, तो पहला जो है एगलेस वैरायटी वो मैं आपके सामने उठाऊंगी. आप देख सकते कितना ये क्रिस्पी है, कितनी ये खूबसूरत तरीके से गोल्डन हुए हैं. तो बस इसको मैं अब ट्राई करूंगी आपके सामने. वाओ, कोई क्रिस्पी है और इतना मजे का ये केक रस्क. वाओ, नाश्ते के लिए तो आइडियल चीज है. वाओ, और पता भी नहीं चलता कि इसमें अंडे है नहीं. वाओ, चलिए व्यूअर्स मैं आपके सामने ये भी ट्राई करती हूँ जो हमारी एग की वैरायटी है. तो इधर से मैं आपके सामने ले रही हूँ और ये मैं आपके सामने ये देखें कितने ये नाइसली क्रिस्पी से हुए हैं. ये आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत हैं ये हमारे केक रस. तो बस ये जो हमारी एग वाली वैरायटी इसको भी मैं ट्राई करती हूँ आपके सामने. वाओ, ये भी आप देख सकते हैं अंदर से भी कितने क्रिस्पी हैं और इतने मजे के हैं. वाओ, चलिए व्यूअर्स अगर ये रेसिपी आपको हमारी अच्छी लगी है तो प्लीज ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें. अपना बहुत ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज. नायल की दावत में आप सब वेलकम हो.